अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI 10 के नए अपडेट में हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट है 28 मार्च 2019 का अपडेट है, लेकिन मैं इस अपडेट को 30 मार्च को बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं अपने गाँव में था जिसके वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया और इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया कि इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग जाएंगे अबाउट फोन में तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों, वो हो गया है 1 अप्रैल 2019 का। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है या फिर शाओमी वालों की तरफ गूगल वालों का जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई रिलीज़ होने से पहले ही मूवी देख लो। मतलब कि दोस्तों, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल तो अप्रैल का है लेकिन अभी चल रहा है मार्च का महीना, तो 30 मार्च को उन्होंने अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल कैसे दे दिया ये मुझे नहीं पता। एक और दोस्तों पागलपंती की बात यह है कि अगर आप जाएंगे सिस्टम अपडेटर के व्हाट्स न्यू में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो मार्च में अपडेट कर दिया गया है। तो अगर उन्होंने मार्च में अपडेट किया है तो फिर अप्रैल का अपडेट कैसे दे दिया है? तो ये पूरा का पूरा बग है दोस्तों, जिसे फिक्स करना ज़रूरी है। और अगले हफ्ते अगर वो लोग मार्च का अपडेट कर देते हैं फिर ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगले हफ्ते फ्राइडे को जो है दोस्तों आ जाएगा अप्रैल का महीना, तो अप्रैल में उन्हें अप्रैल का अपडेट देना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, वो लोग अप्रैल का ही रखते हैं या फिर मार्च का वापस से कर देते हैं अगले हफ्ते। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हमें क्या कुछ नया मिल रहा था ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो पोको फोन है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसके अलावा रेडमी नोट 5 प्रो में भी काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो में एंड्रॉयड पाई का अपडेट आ गया है, लेकिन मैं गांव में था इसलिए मैं उसे एंड्रॉयड पाई पे अब तक अपडेट नहीं कर पाया हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडमी नोट 5 प्रो में क्या कुछ नया मिल रहा था एंड्रॉयड पाई के अपडेट में, और उसमें मैं सारा कुछ नए नए फीचर्स को यहां पर कवर कर लूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि जो जो फोन में आए हैं रेडमी नोट 5 प्रो को छोड़ करके उनमें क्या कुछ नया आया है, जैसे कि पोको फोन में हमें क्या कुछ नया मिल रहा है। तो आशा है कि आप इस बात को समझेंगे। और दोस्तों, यहां पर अगर हम जाएंगे इसके व्हाट्स में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला तो यही लिखा हुआ है कि अपडेटर में जो है आप सिक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट कर दिया गया है मार्च में। उसके बाद है कि जो ऐप लॉक है दोस्तों, उसमें कुछ इश्यूज थे, यानी कि जो है ऐप लॉक का जो पासवर्ड है वो जो खुलता था दोस्तों, पासवर्ड डालने वाला सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं करता था, तो वो जो है अब जो है फिक्स कर दिया गया है। अब आप जो है पासवर्ड उसमें डालेंगे, वो फॉर्म में डालेंगे तो वो आपके एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो बैटरी इंडिकेटर है वो कभी कभी डिसअपीयर नहीं होता था अगर आप लॉक स्क्रीन पर रह करके नोटिफिकेशन शेड को खोलते थे। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पर हैं और लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इससे नीचे की ओर ड्रैग करते थे तो यहां से जो है बैटरी कभी कभी जाता नहीं था। अब ये पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो आप देख सकते हैं कि जो बैटरी इंडिकेटर है वो यहां पर शो कर रहा है और ऊपर से भी चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं, वो जो है फिक्स हो चुका है। उसके बाद क्या है कि इश्यूज विद डिस्प्लेइंग नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में रह करके दोस्तों लॉक स्क्रीन पर कभी कभी नोटिफिकेशन शो नहीं करता था, वो भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो सिक्योरिटी में वायरस स्कैन में अगर आप वायरस स्कैन स्टार्टेड ओवर आफ्टर यूजर्स टैप द रिजल्ट ऑफ ए कंप्लीटेड स्कैन, ये क्या है दोस्तों, तो अगर हम लोग सिक्योरिटी में जाते थे और उसके बाद जाते थे वायरस स्कैन में, सिक्योरिटी स्कैन में, तो इसमें क्या होता था ना कि अगर हम लोग स्टॉप कर देते थे तो उसके बाद से कभी कभी ऑटोमेटिकली दोबारा से स्कैनिंग शुरू हो जाता था। तो ये फिक्स कर दिया गया, अब अगर आप स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप ही होगा, दोबारा से रीस्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि लिखी हुई है। अब यहां पर वीडियो में आप फ्लिकरिंग देख पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा मैंने महसूस किया है रेडमी नोट 7 प्रो में। अगर मैं रेडमी नोट 7 प्रो में गूगल कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ या ओपन कैमरा से, तो ऐसा होता है कि फ्लिकरिंग होता है क्योंकि वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहता है। लेकिन अगर इसका मेन कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता तो फ्लिकरिंग तो नहीं होता, लेकिन मेन कैमरा में दोस्तों रेडमी नोट 7 प्रो से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन कैमरा में लैग होता है, इसलिए मैं उसका मेन कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुझे ओपन कैमरा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है जिसमें फ्लिकरिंग का इशू हो रहा है। तो फ्लिकरिंग को मैं 50 हर्ट्ज में सेट कर दूंगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन चलिए जान लेते हैं आगे की चीज़ें कि क्या कुछ नया मिल रहा था जो कि मैं नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन का स्टाइल है वो काफ़ी दोस्तों अलग कर दिया गया। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जाते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे, तो होम स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा 3-4 जो है नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है जैसे कि पहले नज़र आता था। और यहाँ पे दोस्तों ढेर सारे मुझे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, लेकिन जैसे हम लोग इसे राइट को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो पहले क्लॉक आता था वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को खा जाता था। लेकिन दोस्तों अब जो क्लॉक आएगा वो आपके पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को नहीं खाएगा क्योंकि AM PM का जो चीज़ है वो हटा दिया गया है। तो अब चाहे सुबह हो या रात दोस्तों, आपको इसी तरह से आएगा और यहां पे आपको AM PM नजर नहीं आएगा, जिसके जरिए दोस्तों आपको टाइम बच जाएगा, यहां पे जगह बच जाएगा जिसमें आप कुछ नोटिफिकेशन, एक दो नोटिफिकेशन देख पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन का नया स्टाइल भी मिल रहा था जो कि दूसरा पॉइंट है। तो अगर आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप जाएंगे यहां पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, तो यहां पे आपको सबसे नीचे नोटिफिकेशन स्टाइल मिलता है जो कि MIUI और एंड्रॉयड का। मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन स्टाइल के बारे में मैंने आपको लगभग आज से 2-3 महीने पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ आने वाला है जो कि दोस्तों अब जाकर के पोको फोन में आया है। तो अगर हम लोग इसे एंड्रॉयड पे
कर देंगे। और उसके बाद अगर आप दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन में जाकर के देखेंगे तो एक चीज़ गौर कीजिए, ट्विटर यहाँ पे आ रहा है, टेक स्टडीज सार के यहाँ पे आ रहा है, 34 मिनट यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ है दोस्तों, फॉलो ट्वीट और ऐसा आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही मैं दोस्तों इसे करूँगा एम आई वाई मोड पर, तो यहाँ पर एंड्रॉयड को हटा देता हूँ, एम आई वाई पर करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ नाम आ रहा है, पहले ऊपर में ट्विटर आता था, फिर एस आर के आता था ये, अब यहाँ पर सिर्फ नाम आ रहा है, नीचे में दोस्तों यहाँ पर ट्वीट आ रहा है और टाइम इधर में आ रहा है। तो कुछ इस तरह का जो है चेंजेस है, तो आपको जिस तरह का मन है उस तरह का कर सकते हैं। लोगों में भी थोड़ा चेंज देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे गोल गोल यहाँ पे लोगों देख पा रहे हैं और सबका लोगों देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग करेंगे एंड्रॉयड मोड में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लोगो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया दोस्तों ये एंड्रॉयड वाला वर्जन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और लोगो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म लग रहा है दोस्तों देखने में। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर इंस्टॉलर को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप जाएंगे अपने किसी भी एपीके फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, तो जो इंस्टॉलर फाइल आप देखेंगे वो काफ़ी अलग है। हालांकि अभी मेरे पास कोई एपीके है नहीं, तो मुझे जो है प्ले स्टोर पे खोल करके आपको दिखाना पड़ेगा कुछ भी डाउनलोड करके कि आखिर कौन सा चीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लोग खुद ही ऑब्जर्व कर लेना। तो अगर आप कोई भी इस चीज़ को इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे कि जो इंस्टॉलर है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो इंस्टॉल होने के बाद जो दो बटन नीचे आते थे वो दो बटन सब ऊपर आएंगे। तो कुछ इस तरह की चेंजेस जो है की गई इंस्टॉलर में। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों कि म्यूजिक में आपको वॉइस सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब अगर आप जाएंगे अपने म्यूजिक प्लेयर में, तो ये रहा दोस्तों म्यूजिक का प्लेयर। तो यहां पे जो है आपको सर्च का बटन तो मिलता ही था, लेकिन यहां पे वॉइस सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो मान लीजिए मैं कुछ भी बोल करके यहां पे वॉइस सर्च करूंगा तो वो जो है आ जाएगा। तो मैं यहां पे टैप करता हूं भोली सी सूरत। तो बेसिकली दोस्तों ये जो है ये पूरा का पूरा गूगल से इंटीग्रेटेड है, कोई शाओमी का एआई वॉइस असिस्टेंट नहीं है, उन्होंने गूगल को इंटीग्रेट कर दिया अपने म्यूज़िक प्लेयर में। तो यहाँ से जो है आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और वॉइस के जरिए जो है सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सॉन्ग है अगर आप सॉन्ग को प्ले करेंगे तब भी सर्च कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा शायद अभी नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, तो जीएसटी का ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेटर में। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप जाएंगे अपने एमआईवाई के कैलकुलेटर में, जो कि है दोस्तों टूल्स फोल्डर में कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर लाइफ में तो ढेर सारी चीजें मिल ही जाती है जो कि पहले मिलता था। फाइनेंस में भी दोस्तों काफी ज्यादा पहले मिलता था, लेकिन अब जीएसटी को भी ऐड कर दिया गया। स्प्लिट बिल भी पहले मिलता था, अब आप जो है जीएसटी का परसेंटेज वगैरह भी देख सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जीएसटी के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। बट दोस्तों यहां पर जो भी चीजें दी गई है काफी अच्छा चीज दिया गया है, ताकि हम लोग जो है अपने काम को आसान बना सके। तो कैलकुलेटर भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है शाओमी के नजर से या हमारे नजर से दोस्तों, जो भी चीजें हैं। तो बस यही कुछ चीजें जो कि नई आई है। अब एक चीज मैंने देखा है दोस्तों कि मैं अब जो है पोको में अपने स्पीकर से म्यूजिक चलाता हूं, तो वो जो वॉल्यूम इशू है मुझे पहले आई थी, जो कि मैंने पिछले अपडेट में बात किया था, उस तरह की वॉल्यूम इशू मुझे अभी देखने को कहीं भी नहीं मिली। तो अगर आपको अभी भी वॉल्यूम इशू है तो मुझे बताना इस अपडेट के बाद वॉल्यूम इशू फिक्स हुआ है नहीं हुआ है। हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा देर सुनूंगा तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ वॉल्यूम इशू फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि गाँव में था तो मैं ज्यादा सुना नहीं, दोस्तों 1-1.5 घंटा ही म्यूजिक सुना था। तो इसलिए जो है आप लोग बताना मुझे क्या वॉल्यूम इशू फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी के लिए दोस्तों ओवरऑल ये जो अपडेट है काफी बढ़िया है। और चलिए हम लोग चलते हैं एमआईवाई के फोरम पर और देखते हैं कि आखिर एमआईवाई के फोरम पे इस अपडेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा दोस्तों एमआईवाई 10 का ग्लोबल बीटा रोम, और यहां पे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस में जो अपडेट आए हैं, कौन कौन से डिवाइसेस में अपडेट नहीं आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेडमी नोट 4 और रेडमी 5 प्लस, यानी कि दोस्तों रेडमी नोट 5 दोनों में अपडेट सस्पेंड किया जा रहा है पिछले 5 महीने से, और 6 महीने होने को जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में शाओमी कुछ भी नहीं कह रहा कि वो लोग अपडेट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी बुरी बात है, बस लिख देते हैं कि सिस्टम एरर के कारण। रेडमी वाई टू में भी सस्पेंड हो गया एंड्रॉइड पाई के टेस्टिंग के लिए, लेकिन एंड्रॉइड पाई रेडमी नोट 5 प्रो पे रिलीज कर दिया गया। तो मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद MI 9 और रेडमी नोट 4 MT का जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है, उसमें भी अपडेट का कुछ एरर था जिसे जो है बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ देखेंगे, यहाँ पर कुछ और अलग अलग फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि दोस्तों डार्क मोड को ऐड किया गया है। तो द सिस्टम इंटरफेस में आपको डार्क मोड मिल जाएगा। पता नहीं दोस्तों, मुझे तो डार्क मोड नहीं मिला है मेरे पोको फोन में। तो मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, उसके बाद जाऊंगा मैं अपने डिस्प्ले में, तो आप देखेंगे कि मुझे कोई भी डार्क मोड नहीं मिला है। किधर गया भाई मेरा डिस्प्ले का ऑप्शन? अरे मेरा डिस्प्ले का ऑप्शन ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे किसी भी तरह का डार्क मोड का ऑप्शन नहीं मिला है। तो हो सकता है कि पोको वाले यूजर्स को जो है अगले हफ्ते के अपडेट में डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी मार्च के बारे में लिखा हुआ, जबकि उन्होंने अप्रैल में अपडेट कर दिया है। बाकी के लिए दोस्तों आगे और कुछ भी चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें हैं बस वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। और ऐसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। और यहाँ पर कुछ ऑफिस
ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आए हैं जहाँ पे लिख रहा है कि जो टच लैग है वो भी फिक्स कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट टेबल या लेटेस्ट बीटा में टच लैग और जो स्टेटस बार का ये जो आइकन है वो सब जो है लेटेस्ट में ला दिया गया है। तो ज़रूर भाई लोग आप लोग अपडेट कर लेना। और वाइडबैंड 11 के बारे में कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स भी एचडी में बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है दोस्तों। शाओमी वाले काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें दे रहे हैं। चलो इस वीडियो को मैंने 10 मिनट तक खींच ही लिया, तो अब करते हैं अलविदा और लगाते हैं इस पर चार चार एड्स। थैंक यू।